देखो डोर टू डाउन होके रखना हुआ पूरा। बिहार में पुल के गिरने और पिलर धंसने का सिलसिला जारी है। बता दें कि बीते 15 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई पुल या तो जमींदोज हो चुके हैं या फिर उनका पिलर धंस चुका है। ताजा मामला किशनगंज के बहादुरगंज के बाद ठाकुरगंज प्रखंड का है। यहां तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें बूंद नदी पर बना पुल का पिलर करीब 1.5 फीट धंस गया। क्या हुआ है यहाँ पे? मतलब सुबह ठीक था पुला, मतलब रातों को ठीक था पुला, आज सुबह देखते हैं पुला खराब टूट गया, झुक गया था। झुक गया है? यही दुकान करते हैं आप? यही दुकान करते हैं। क्या पहले ठीक था, अभी झुक गया है? पहले ठीक था। कितना पंचायत को जोड़ता है ये पुल? दो पंचायत को, दो कुकुरबागी है, इस बार पथरिया पंचायत। क्या नाम हुआ? ललित कुमार सिंह। बता दें कि ये पुल ठाकुरगंज के पथरिया पंचायत स्थित खुशी डांगी गाँव में तत्कालीन सांसद तस्लीमुद्दीन के संसद कोष से 2007 से 2008 में बनाया गया था, लेकिन पानी का दबाव नहीं झेल पाया और पिलर 1 से 1.5 फीट धस गया। क्या हुआ है, कैसे पुल धस गया? बरसात से धस गया है। कब धसा था पुल? रात का 12 बजे। अच्छा, 12-1 बजे में। कब मालूम चला आप लोगों को? मालूम था हमको सुबह में चलाना। सुबह में चला। कोई आया प्रशासन से अभी तक? नहीं नहीं है। क्या ज्यादा धसा है, थोड़ा मुड़ा है? अभी तो बहुत ज्यादा था, पहले कम था, अभी पूरा धस गया है। धसते जा रहा है? धसते जा रहा है, पहले कम था, सुबह में थोड़ा सा था, लेकिन अभी तो बेसी हो गया। कौन सा नदी है ये? गुल नदी। कहाँ पर पुल है, कौन सा जगह पर है? ये खासी रेंज का लास्ट सिन्ना में जो तो पड़ेगा ढाक पड़ा, ये खासी रेंज। कितना पंचायत इधर से यहाँ पर आसपास? क्या नाम है आपका? कालीचरण सिंह। ये पुल 3 से 4 पंचायतों को जोड़ता है और अगर पुल धराशायी हो जाता है तो 50 से 60 हजार आबादी प्रभावित होगी। बहरहाल, लोगों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत कराने की गुहार लगाई है। किशनगंज से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। देखो डोर टू डाउन होके रखना हुआ पूरा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।